हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियोस देखा था कि बिना किसी प्लगइन्स के जो है हम लोग जो है आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड था, कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज नहीं किया गया था। और आज का वीडियो भी कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल में है। तो देख सकते हैं कि जो ये मैं अभी आपको आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इस टाइप का जो है इफेक्ट हम लोग कैसे उसके अंदर दे सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी मैं कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज नहीं करने वाला हूँ, तो सिंपल वे के अंदर होने वाला है। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे, तो यहां से मैं लेता हूँ सॉलिड कलर। सॉलिड कलर ठीक है। और सॉलिड कलर लेने के बाद में जो है आप इसका कलर जो है व्हाइट कर सकते हैं, लाइक दिस। और उसके बाद में जो है अब इसके ऊपर हमने जो इनपुट के अंदर स्लाइसें बनानी हैं, जो भी आप स्लाइसें बनाते हो ठीक है, जो भी स्लाइस है, मैंने चार स्लाइस बनाई है फॉर एग्जाम्पल इनपुट एंड आउटपुट के अंदर, तो आप इन चार स्लाइस को यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो है आपकी स्लाइस यहाँ पर शो हो जाएगी। अब थोड़ा सा बोरिंग वाला काम रहेगा क्योंकि हम लोग वही पुराना वाला तरीका यूज करने वाले हैं जो पिछली वीडियो के अंदर किया था, यहाँ से क्रॉप का। ठीक है, तो यहां से मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाता हूं एंड यहां से मैं लेता हूं क्रॉप। ठीक है, सिंपल मैंने क्रॉप करना है। इमेज पे गए, सबसे पहले लेफ्ट को शुरू करते हैं। यहां से अकॉर्डिंग टू अपने थिकनेस के अकॉर्डिंग जो है आप उतना इसको कर सकते हो। चलिए राइट से शुरू करते हैं। अब राइट पे लेते हैं, थोड़ी इसकी वैल्यू को कम करते हैं यहाँ पे, और यहां से टॉप पे लेता हूं। फर्स्ट पे ही आपने ध्यान देना है पहले विंग्स के ऊपर। ओके, अब एक्चुअल में ये चीजें हम लोग ना कोई थर्ड पार्टी प्लगइन से आउटलाइन बनाकर भी बना सकते थे, लेकिन उसमें और इसमें बहुत फर्क है, मजा नहीं आएगा, आप देख सकते हो आगे चल के। चलिए और फिर दोबारा क्रॉप एंड यहाँ पे इन्वर्ट, और फिर दोबारा लेफ्ट से हम लोग जो है दूसरा लाइन्स क्रॉप करते हैं, दूसरा बनाते हैं। राइट से भी जो है कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। वही थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन बन अच्छा जाता है दो। ओके, थर्ड नंबर पे फिर दोबारा क्रॉप कीजिए, इन्वर्ट करें, लेफ्ट में जाएं, लेफ्ट से जो है हम लोग यहाँ थर्ड वन पे जाते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप हर विंग्स का जो है जो थिकनेस है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ये प्लस पॉइंट है यहाँ का। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाए लाइक दिस, और ऊपर से और नीचे से थर्ड वन, एंड फोर्थ नंबर पे फिर दोबारा हम लोग इसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करके फिर लेफ्ट में जाते हैं, सॉरी इसको मैं जीरो करता हूँ, इन्वर्ट किया एंड यहां से थोड़ा सा। तो जिसने ये वीडियो नहीं पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर वीडियो देख सकते हैं। और राइट की बात करूं तो राइट से भी मैं इसको थोड़ा बना लेता हूं, और टॉप से भी इसको नीचे की तरफ एंड यहां से भी। तो चलिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, तो मैंने ये क्या किया, चारों के चारों जो है बना दिए इस टाइप से। तो अब इसके अंदर हम कुछ
करते हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट मैं यूज करने वाला हूं वो है RADAR। तो ये मैंने यहां पर इसलिए बनाया बिकॉज अगर मैं अब देखें, अगर आगे चल के देखेंगे वीडियोस में कि अगर मैं पुराना कोई भी अगर इसको मैं स्लाइस के अकॉर्डिंग बनाता तो वो क्या होता कि वो पूरे पे वर्क करता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है इंडिविजुअल्स अलग अलग विंग्स के ऊपर सेम इफेक्ट जो है अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अब इसमें क्या करना है। हमने जो है इसकी जो है यहाँ से फेड इसको बंद कर देते हैं, इसका ग्रिड जो है हम लोग बंद कर देते हैं और ये इसको ले लेते हैं अबाउट थोड़ा सा ज्यादा। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हो गया। एंगल्स पे जाते हैं, एंगल्स पे जाके इसको टाइमलाइन कर देते हैं और जो स्पीड है इसकी जो है बढ़ा देते हैं भाई इस टाइप से। चलिए ठीक है, स्पीड हम इस टाइप से करते हैं। चलिए ये हमारा रडार का काम खत्म हो गया। अब एक काम और करते हैं, एक छोटा सा इफेक्ट और लेते हैं, FLIP फ्लिप। मैं फ्लिप लेता हूं और ये जस्ट रडार के जो है नीचे डाल देते हैं। ठीक है, और यहां से क्या कर देते हैं इसको जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ कर देते हैं और इसकी ओपासिटी जो मैं कम करके जो है 50% पे लेके आता हूँ। और आजा भाई लाइक दिस। ठीक है, अच्छा बना। चलिए ये हो गया, अब इसके अंदर और क्या-क्या कर सकते हैं। हाँ, एक इसके अंदर हम लोग डॉट स्क्रीन डाल सकते हैं, डालें DOT डॉट। ठीक है, तो मैं यहां से लिखता हूँ डॉट स्क्रीन जो है फ्लिप के बिल्कुल नीचे। तो ये कुछ इस टाइप का डॉट्स जैसा जो है इफेक्ट आपको देगा। अब आप एक काम और करें, यहां से डालें सी ओपलवार कलर कलर्स। ठीक है, ये आप डालें यहाँ डॉट के नीचे लाइक दिस और कलर में जाकर जो है HSB यहां से जो है आप इसको टाइमलाइन कर सकते हैं और स्पीड बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें और यहां से लेके आप इस पे क्लिक करते हैं और यहां से मैं ग्राफ चुनता हूं ये वाला। ठीक है, अब आप अगर डॉट स्क्रीन का देखना चाहते हैं तो डॉट पे चले, अदरवाइज जो है आप इसके साथ में जा सकते हैं। ओके डन, एक काम और रह गया, यहां से इसके कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें भाई लाइक दिस गुड। चलिए जी, इस टाइप से जो है आपका इफेक्ट रेडी हो चुका है। ये देखो वाओ, बिना किसी थर्ड पार्टी प्लगइन्स के इस टाइप में आप जो है ऐसे यूनिक से जो है इफेक्ट रेडी कर सकते हैं बिना किसी प्लगइन्स के और बिना किसी थर्ड पार्टी अदर्स एप्स वगैरह के। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।